Saman hati akuarium. हेलो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया और आज जो यहाँ पे संडे था और संडे वाले दिन जो है ना यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो रमदान बाज़ार लगा हुआ था एक्चुअली ईद का ही जो है ईद की जो शॉपिंग होती है लड़कियों के ड्रेसेस वगैरह चूड़ियाँ ज्वेलरी ये सारी चीज़ें थी, थी तो जाके जो है ना जरा शॉपिंग करते हैं यहाँ पे अमेरिका में यही होता है इस तरह जो मेले लगते हैं या जो बाज़ार लगते हैं कोई फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं यहाँ से हमें अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं तो बस यही वेट करते हैं कब ये लगेंगे अब ईद से पहले कुछ अर्सा पहले ये लगना स्टार्ट हो जाते हैं ताकि जो है ईद की शॉपिंग वगैरह कर ली जाए तो ये जो है ना यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त किस्म की डिफरेंट किस्म की ज्वेलरीज थी और डिफरेंट प्राइस की थी माला वगैरह भी थे और झुमके एयर आपको ट्रेडिशनल जो होती है ना एंटीक स्टाइल की ज्वेलरी भी और और डिफरेंट किस्म की जो होती है ज्वेलरीज़ वो भी सारी थी तो डिफरेंट स्टॉल लगे हुए थे बच्चों के कपड़े भी थे मन्हा ने तो फर्स्ट जाते ही जो है ना अपना ये सेलेक्ट कर लिया था मनह के भी मेरे ख्याल से मेरी तरह ही है फर्स्ट नज़र में जो चीज़ पसंद आ जाए ना बस वही होती है कि वही लेनी है तो मन्हा को ये जो है ना ये अच्छा लगा ईद का ड्रेस और अब देखे मनह लेती है कि नहीं इसको सारे पहले जो है न, सारा ना सारा पहना के करके देख के और फिर इसका सेलेक्ट करेंगे मना कि मैंने आपको बताया ना ईद के भी हमने कपड़े नहीं लिए तो मुझे यही था कि हम यहाँ से ही लेंगे और एक जो है स्प्रिंगफील्ड में जो शॉप थी मॉल के अंदर उधर से मुझे था वहाँ से लें और फिर हम यहाँ मेले में आ गए तो मुझे ये हुआ कि चलो यहाँ से भी देख लेते अगर अच्छे यहाँ से मिल गए तो यहाँ से ले लेंगे अच्छा फर्स्ट तो यही होता है कि मनहा की जो है ना वो शॉपिंग कंप्लीट हो जाए और मनहा का ड्रेस चूड़ियाँ और ये सारी चीज़ें जो है ना लड़कियों की जो शॉपिंग होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है बॉयज़ का क्या होता है जस्ट उन्होंने शलवार कमीज पहननी है तो फर्स्ट फर्स्ट यही था कि मन की शॉपिंग हो जाए कंप्लीट और फिर अपनी करूँगी तो बाकी इतने ज़बरदस्त बड़े बड़े से सेट थे और जो है ना फुल कंप्लीट सेट जो होते हैं वो भी थे और अलग से रिंग्स वगैरह भी थी एयर रिंग्स थी ज्वेलरी बहुत गज़ब की थी यानी जितने भी स्टॉल लगे हुए थे ना बहुत अच्छी ज्वेलरी थी और इतने हैवी हाँ खैर मैं तो नहीं पहनती मैं तो बिल्कुल लाइट सी जो है ना ज्वेलरी पहनती हूँ तो बस यहाँ पे बीच में मना थक जाती थी यहाँ पे आके बैठ जाती थी और फिर दोबारा हम स्टार्ट हो जाते थे और ये देखें जिस ये 25 डॉलर की रिंग है बड़ी बड़ी सी रिंग्स जो है एंटीक स्टाइल की जो होती हैं वो और फिर कोई 25 डॉलर की थी और जो बड़े बड़े सेट्स हैं ना थोड़े डिसेंट किस्म के यानी है, बहुत हैवी नहीं वो फोटी डॉलर के थे कोई फिफ्टी डॉलर का था और उसके अलावा जो है ये जो थी आ, मैंने एक सेट लिया यहाँ से वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी जो शॉपिंग जो है ना हमने यहाँ से जो की थी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी तो वो जो मैंने एक सेट लिया था ना तो वो बड़ा अच्छा लाइट सा सेट था और अच्छी रिजनेबल थी प्राइस और ये इसी तरह डिफरेंट ड्रेसेस जो लगे हुए थे ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो होते हैं शलवार कमीज वगैरह फ्रॉक्स हैवी लाइट और आ, जो समर के ड्रेसेस वगैरह कॉटन के और वेलवेट के शफोन के तो हर किस्म की वैरायटी जो है ना वो यहाँ पे अवेलेबल थी उसके अलावा ज्वेलरी भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी के थे और जरिए बहुत ड्रेसेस के थे काफ़ी यानी मिक्स एंड मैच जो है ना स्टॉल्स लगे हुए थे डिफरेंट डिफरेंट और ये मज़े की चीज़ थी जिस तरह कुछ पाकिस्तान की ज्वेलरी थी कुछ इंडिया की थी तो ये डिफरेंट जो है ना कंट्रीज़ की ज्वेलरीज यहाँ पे थी उसके अलावा और डिफरेंट आप एक ही जगह से हर कंट्री की चीज़ मिल जाती है ना इंडिया की भी कहते हैं बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी होती है वहाँ की ना एंटीक स्टाइल की भी और और दूसरी भी और उसके अलावा अफगानिस्तान की बड़ी अच्छी ज्वेलरी थी ड्रेसेस वगैरह थी वो भी मैं जो है ना आगे जाके आपको दिखाती हूँ और ये बिल्कुल लाइट सा सेट था तो ये आलमोस्ट जो था फिफ्टी सिक्सटी डॉलर का था इसी तरह कुछ था और जो मैंने लिया था वो भी ऑलमोस्ट फोर्टी डॉलर तक का था उसमें वो भी कंप्लीट सेट था उसमें एक्चुअली बिंदिया भी थी यही जो होती है वो मनह को अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा चलो वो ले लेती हूँ बाकी चीज़ें जो है ना वो मैं पहन लूँगी और बिंदिया एक जो है वो मनहा पहन लेगी तो इनकी मुझे बड़ी अच्छी सी और बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी थी और उसके अलावा ये बड़ा अच्छा स्टॉल जो लगा हुआ था जान माज इतने प्यारे से पैकिंग में जान माज तस्बी और ये सारी चीज़ें थी तो एक ये मैंने सेट लिया मुझे ये अच्छा लगा जान माज का साथ छोटा सा कुरान भी है वो भी मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी जो मैंने शॉपिंग की है ना वो दिखाऊँगी ओपन करके और ड्रेसेस वगैरह अच्छे थे और बच्चों के साथ जब होते हैं तो मुझे यही होता है कि पहले उनकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाए फिर क्योंकि इस तरह के जितने भी ये हैं ये फिर लगते रहेंगे यानी नेक्स्ट वीक फिर लगेगा और डिफरेंट जगहों पे भी लग रहे हैं यहाँ पे लगा है इसके बाद डिफरेंट जगह पे भी लगेगा और इधर दोबारा भी लगना है इसी जो है ना प्लेस में तो इस तरह जो है ना सही इंजॉय कर रहे थे हम लोग और फिर आपको पता है जब अपनी कम्युनिटी इकट्ठी हुई हो तो एक वैसे भी अच्छी फीलिंग होती है और ईद की जो शॉपिंग का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है ना मज़ा आता है ईद की शॉपिंग करने का तो ये ज्वेलरी वगैरह मनहा का तो ज़्यादा फोकस जो है ना अब कपड़े उसने ले लिए थे अपने ड्रेस से उसने ले लिया था और वह अब ज्वेलरी की तरफ चूड़ियों की तरफ अब जो ड्रेस लिया था उसके साथ मैचिंग जो है ना वो हम यहाँ से ही चूड़ियाँ भी ले रहे थे चूड़ियाँ जो है फ़ाइव फाइव डॉलर की थी यानी वन पैक जो है वो फाइव डॉलर का था और उसके अलावा जो है मैंने कुछ ड्रेसेस वगैरह भी देखे और मुझे यहाँ पे जो है ना अभी मुझे ये होता है कि यहाँ पे बड़े लॉन्ग चले हुए थे आ, शायद फैशन में लॉन्ग आ गए हैं क्या है तो मुझे लॉन्ग नहीं पसंद मुझे एक दरमिया होने चाहिए बहुत लॉन्ग शर्ट्स भी नहीं अच्छी लगती और बस मुझे यहाँ पर अभी मेरे हिसाब का तो नहीं मुझे मिला तो नेक्स्ट किसी और जगह से शायद मिल जाए और स्प्रिंगफील्ड शॉप जो है मॉल में जो शॉप है वहाँ पे भी विजिट करना है वहाँ से भी मैं कह रही हूँ चेक कर लूँ मैं एक दफ़ा अपना कंप्लीट यानी चांद रात तक मैं डिले अपना रखूँगी हर जगह से देख लूँगी और फिर कोई अच्छी चीज़ लगती है तो फिर लूँगी और यहाँ पे इसी तरह ये बाहर जो है इधर भी जो है स्टॉल लगे हुए थे और ये मैंने आपको बताया ना अफगानी जेलरी और अफ़गानी ड्रेसेस वगैरह इस कदर खूबसूरत ये ड्रेसेस होते हैं इनकी एम्ब्रॉयडरी और वैसे इतने यूनिक से डिफरेंट से बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो बहुत अच्छी ये पठानी फ़्रॉकें जो होती हैं ना अच्छी लगती हैं तो मन है कि मैं ये सोच रही थी कि मैं पठानी फ़्रॉक लूँ तो हम इसकी ये फ्रॉक्स वगैरह भी देख रहे थे उसके अलावा मुझे बहुत शौक है लेने का तो मैं भी वो देख रही थी कि मुझे मेरे नाप की भी शायद मिल जाए कोई और बहुत लंबी लंबी होती है ना तो मेरी हाइट थोड़ी नॉर्मल है तो उसमें वो ये कहते हैं कि मुझे कटिंग कराना तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाता है आप स्टिचिंग कटिंग शॉर्ट कराने में आए ना तो उसकी वो लुक ही ख़त्म हो जाती है ड्रेस की तो मेरी यही कोशिश होती है कि मेरे जो सेम साइज़ का जो है ना वो ड्रेस मिल जाए तो वो वो मैं देख रही थी और इनकी ज्वेलरी इस कदर खूबसूरत होती है Uh, जो है ना बेल्ट जिस तरह हम लोग बेल्ट पहनते हैं ना वो बेल्ट भी थी और ये देखें ये सारी वही बेल्ट वगैरह हैं और उसके अलावा ये जो है न माथे पे जो पहनते हैं ज़बरदस्त से कैप से और यही ज्वेलरी जो होती है इनकी इतनी ज़बरदस्त थी ये ऑलमोस्ट फोटी डॉलर की थी जो बेल्ट मुझे दिखा रही थी जो मनहा ने अब ये पकड़ी हुई है ना ये ऑलमोस्ट फोटी डॉलर की है तो बहुत ज़बरदस्त थी यानी प्राइस भी रिजनेबल थी बट तो थोड़ी जहली पता आप जब इस तरह की चीज़ें लेती हैं आपने यूज़ भी नहीं करनी तो एक दिन के लिए अगर यूज़ करने पर आपको कीमत भी ज़्यादा ही लगती है लेकिन ये एंटीक स्टाइल के ऑफ कोर्स ज्वेलरी महंगी होती है और इनकी ड्रेसेस बहुत ही महंगे होते हैं क्योंकि हैंड वर्क हुआ होता है हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई होती है ऑलमोस्ट हंड्रेड ट्वेंटी डॉलर के वन ट्वेंटी डॉलर तक के जो है ना ये पठानी फ्रॉकें थी और ज्वेलरी इसी तरह फोटी डॉलर की फिफ्टी डॉलर की ज्वेलरी फिर भी रिजनेबल थी लेकिन पठानी फ्रॉकें बहुत महंगी थी तो बस हमने यहाँ पे यही सारी ज्वेलरी वगैरह कपड़े और शूज़ वगैरह नहीं नज़र आए जिसमें खुस्से वगैरह होते हैं ट्रेडिशनल जो है वो नहीं है मुझे यहाँ से नजर आए तो बस यहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग किया मनह का ड्रेस लिया चूड़ियाँ ली ज्वेलरी ली और उसके अलावा जो है हसन के कपड़े हम यही देख रहे थे अफगानी ड्रेसज होते हैं तो वो पसंद नहीं आए हसन को तो अब उसके कोई जो है ना वो पाकिस्तानी ड्रेस ही लेंगे अब के रह गए हैं ड्रेस मेरा रह गया तो बाकी अभी थोड़ी बहुत जो शॉपिंग रह गया डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाके इस तरह के फेस्टिवल्स में जाके जो है ना वो हम करेंगे और आई होप सो आज की वीडियो आप लोगों ने इंजॉय की और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर बाय